हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों, मैं खड़ा हूँ हमारे खेत पर और आप देख सकते हैं सुबह के बजे 7 और सूर्य पूरी तरह से उदय हो चुका है। चारों ओर सूर्य की विकिरणें फैल चुकी है और चारों तरफ उजाला हो चुका है। दोस्तों देख सकते हो, सुबह का समय है और पक्षी अपने घोंसलों से निकल चुके हैं और चहकने की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी पक्षियों की। तो दोस्तों देख सकते हो, यह कुआं जिसको वाटर वेल बोलते हैं इंग्लिश में, तो देख सकते हो दोस्तों कुआं पूरी तरह से भरा हुआ है। मैं आपको बैक कैमरे से देख सकते हो दोस्तों, हमारे इस खेत में कितना बड़ा चारा हो गया है जिसको ढाड़ौन बोलते हैं, और ये बहुत ही मुश्किल हो गया है इसको साफ करना। दोस्तों देख सकते हो, दोस्तों इसको साफ करने में लगभग 8 से 10 दिन लगेंगे, क्योंकि इतना भयंकर चारा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। दोस्तों देख सकते हो, दोस्तों इस बार बारिश ज़्यादा हुई है तो कुआ पूरी तरह से भर चुका है और अब रबी सीजन की फसलें बुवाई होगी, उसमें इस कुएं के पानी से ज़मीन को सिंचित किया जाएगा। और ये है दोस्तों हमारा खेत, जिसमें पूरी तरह से आप देख सकते हो कितना कचरा हो चुका है। इसमें कचरा पेड़ बन चुका है, इसको कटवाने में कड़ी मशक्कत करना पड़ेगी मजदूरों को, फिर जाके इसमें कहीं ना कहीं बुवाई होगी। और ये देख सकते हो सारे खेत खाली हो चुके हैं लगभग, क्योंकि सोयाबीन लगभग निकल चुकी है सबकी। और सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है, देख सकते हो आप। यहाँ से आपको सारा व्यू दिख जाएगा, लेफ्ट राइट। इधर भी देख सकते हो दोस्तों, इसको टोकरी बोलते हैं हम लोग। होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में।